नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल। हम लोग क्लास 9 साइंस का वर्क एंड एनर्जी चैप्टर पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट। हाइट के कारण किसी ऑब्जेक्ट में कितनी पोटेंशियल एनर्जी आती है उसका कैलकुलेशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ साथ इसमें जो मेन जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, इसका भी डेरिवेशन करेंगे। साथ साथ कुछ इसका एग्जाम्पल्स भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे ले जाया जाता है अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब कि अगर आप किसी एक ब्रिक है, एक ब्रिक को आप अपने छत पे लेके जाते हो, ठीक है, आप अपने छत पे लेके गए, तो आपके द्वारा अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क डन किया गया। ग्रेविटी तो ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रही थी, लेकिन आप उसके अगेंस्ट में ना वर्क डन किए, आप उसको लेके ऊपर के गए, तो उसमें जो एनर्जी आएगी उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी, क्योंकि उसमें आपने हाइट बढ़ा दिया, पोजीशन चेंज कर दिया। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लो। तो उस ब्रिक में पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी आई क्यों आई, क्योंकि ड्यू अगेंस्ट द ग्रेविटी आपने काम किया, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो वर्क डन इन रेजिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड टू सम हाइट अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो यहाँ पे वर्क डन जो हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है और उसको ग्राउंड से सम हाइट पे ले जाया जा रहा है, इसीलिए उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसको हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो ये है कंसेप्ट। अब यहाँ पे एग्जांपल से आप देख लो कि यहाँ पे फिगर में बताया ये ग्राउंड लेवल है, मान के चलो ये ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आप कुछ मान लो m है, इसको आप कुछ हाइट पे लेके जाते हो, तो हाइट पे लेके गए तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें आ जाएगी। तो ये जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू इट्स हाइट, इसको हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कह सकते हो, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि इसका एक्सप्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सेम फिगर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है जिसका मास हम लोग m मान लेते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसको हम लोग कुछ हाइट पे यहाँ पे लेके गए, इनिशियल पोजीशन ये था, इसको उठा के यहाँ ले गए, वर्क डन हमारे द्वारा हुआ अगेंस्ट ग्रेविटी, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसमें आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट जूल में ही आएगा, लेकिन इसका जो नाम है कौन सा पोटेंशियल एनर्जी आया, एनर्जी है उसका कौन सा टाइप है, तो पोटेंशियल एनर्जी। अब कौन सा वाला पोटेंशियल एनर्जी है, टू अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी का, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसको कहेंगे। ऑब्जेक्ट है मास m हो गया, इसको हाइट की हाइट पे लेके गए थे थोड़ा सा हाइट पे, तो उसका हाइट का h मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मास हो गया m, हाइट हो गया h, एवब द ग्राउंड, सेंटर ऑफ द अर्थ से नहीं ले रहे हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ से ले रहे हैं, ध्यान रखना है h, ठीक है। उसका फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट mg। अब यहाँ पे जितना फोर्स हम लोग अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहे हैं, तो जितना इसमें हम लोग का द्वारा फोर्स लगेगा उसको उठाने में, तो वहां पे जो जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा mg, मास इनटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ma होता है फोर्स जो लग रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, इसलिए mg लिखेंगे। यहाँ पे g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। अब यहाँ पे समझो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी जो होगा w, ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, अपना बेसिक फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यही बेसिक होता है, इसी सब जगह के आगे काम भी होगा, ठीक है। तो फोर्स क्या हो गया, mg, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क किए थे, तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, याद करो काइनेटिक एनर्जी वाला में तो ग्रेविटेशन का तो काम नहीं था, वहां पर उसमें अपना वेलोसिटी था, तो वहां पर मास इनटू एक्सेलरेशन ma लिए थे। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी लग रहा है, हाइट पे लेके जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग एम जी लिखे, ठीक है, फोर्स एम जी हो गया, हाइट जो हो गया डिस्प्लेसमेंट एच हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस यही हो गया इसका फॉर्मूला एम जी एच। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास हो गया एम, जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एच हो गया हाइट, ठीक है। तो ये जो होगा जितना ये जो वैल्यू जो इसको निकल के आएगा ऑब्जेक्ट का, तो यही वर्क डन होगा पोटेंशियल एनर्जी का ऑब्जेक्ट एट हाइट पे। तो हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी आई, तो उसमें हो जाएगा एम जी एच, ओके। तो ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट, तो जितना हम लोग उसमें वर्क डन करेंगे उतना एनर्जी गेन होगा। एनर्जी में एनर्जी का जो डेफिनेशन होता है वही होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू हाइट हो रहा है यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो mgh होगा। अब एक चीज यहाँ पे आप ट्रिक ये भी लगा सकते हो, यहाँ पे आप ध्यान दो mgh है, ठीक है, फॉर्मूला mgh है, ओके, एक पोटेंशियल एनर्जी का, तो mg क्या है, ठीक है, m तो मास ऑब्जेक्ट है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू, अगर mg एक साथ ले लें
तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दे, mg क्या है, वेट हो गया, इसको हम एक एंटिटी मान लेके चलते हैं, वेट लेके चलते हैं, और हाइट हो गया h, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसका अगर हम लोग डायरेक्ट वेट निकालें, मास निकालना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना, इतना झंझट हटाने से अच्छा है पहले आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग वेट करेंगे, तो अगर वेइंग मशीन पे तो सीधा तुमको वेट मिलता है, तो जितना वेट मिला उसको अगर हम लोग हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। अगर हमको उसका मास पता है तो मास से फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड होगा, इससे आप प्लस और उसमें हाइट, ये तीनों चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। अगर हमें डायरेक्ट वेट पता है किसी ऑब्जेक्ट का तो वेट इंटू हाइट कर देंगे तो ही पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे बता ही रहा है एम जी हमारा वेट होता है और इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट जो होता है हाइट पे होगा वो निकल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे दो चीज ध्यान में रखने की है, ठीक है। जब भी हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे किसी ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे हम लोग को दो चीज बहुत ध्यान रखना है। पहला चीज ग्राउंड जीरो, ठीक है, जिस लेवल से हम लोग उठा रहे हैं उसका ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम लोग इस लेवल को हम लोग ग्राउंड जीरो मानते हैं तो अब यहां से जो भी हाइट होगा यहाँ पे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगा, जितनी इसकी हाइट हो गई और उसके मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल कुछ निकलेगा। फिर अगर उसको ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ पे लेके जाते हैं तो वहां पे हाइट बढ़ गई, मास और उसका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट ही रहेगा तो वो निकलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे ग्राउंड जीरो को हम लोग ये मान लेते हैं, ठीक है, ये तो मानने पे है ना, ग्राउंड जीरो हम लोग किसको मान, ऐसे सरफेस ऑफ द अर्थ मानेंगे, लेकिन हम लोग अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें कि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमारे घर के फर्स्ट फ्लोर पे है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, ऑलरेडी हमारे फर्स्ट फ्लोर पे है। जैसे आप इसको एक घर मान लो और इसका ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये इसका फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये इसका सेकंड फ्लोर हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां से हमको उठा के यहाँ पे लेके जाना है तो ग्राउंड जीरो यहाँ पे हम लोग इसको मान लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे मान लेके चलते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट का जीरो है। तो यहां से यहां पे लेके गए तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में कितनी वृद्धि हुई, तो सिर्फ ये हाइट लेंगे, ये हाइट नहीं ले लेंगे पूरा का पूरा, ये गलत हो जाएगा। जिस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन से उठा के किस हायर पोजीशन पे हम लोग रख रहे हैं तो उसके बीच का हाइट लेना है, ये इसमें पहला कंसिडरेशन लेना है। तो ग्राउंड जीरो मतलब कि किस लेवल को हम लोग जीरो पर लेके चल रहे हैं वो मानना इसमें सबसे बड़ा चीज है। वहां पे ये प्रैक्टिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर हम लोग प्रैक्टिकली कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तो इसका यूज सबसे ज्यादा का। अगर क्वेश्चन में आएगा तो ऑलरेडी बता देगा कि ग्राउंड जीरो कहां है, ऑब्जेक्ट को हाइट किस हाइट पे ले जाया जा रहा है, तो ठीक है। तो इस चीज का हम लोग को ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट को किस हाइट से उठाया जा रहा है। ओके, अब दूसरा कंसिडरेशन क्या कहता है कि मान लेते हैं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको आप जैसे कि उसी वाला एग्जांपल से लेके चलते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे आपके हाथ में एक स्टोन है जिसका मास है 1 kg, उसको आप छत पे लेके गए, ठीक है। तो आप छत पे दो तरीके से ले जा सकते हो, एक तो आप डायरेक्ट पहुंचा दो, अब आप जैसे पहुंचाओ उसको आप आपका मर्जी है कि आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे कैसे पहुंचाते हो, आप डायरेक्ट हवा में फेंक के पहुंचा दो जैसे ही पहुंचा दो, ठीक है। दूसरा उपाय है कि आप आराम से ऑब्जेक्ट को लो, घर के अंदर जाओ, फिर सीढ़ी पे चढ़ो, फिर घूमते फिरते छत पे पहुंच जाओ, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर तो आपका जो पोजीशन जो चेंज हुआ ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो वो तो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे गया। ओके, अब यहां पे समझो आपका जो पाथ था डायरेक्ट सीधा हाइट तो था नहीं, वह तो घूमते फिरते गया, तो क्या इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी कुछ चेंजेस आएगा, नहीं, कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो सीधे हाइट देखा जाएगा कि ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में उसकी हाइट में कितनी चेंज हुई। भले आप उसको कितना भी घुमाते फिराते हो, एक घंटा में आप घुमाते फिराते लेके जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, किस पाथ से गया, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, सीधे उसका देखा जाएगा कि उसकी पोजीशन कितनी हाइट चेंज हुई। पोजीशन का यहाँ पे चेंज होने का मतलब हो रहा है कि उसकी हाइट में कितनी चेंजेस हुई, 10 मीटर का चेंज हुआ कि 12 मीटर का चेंज हुआ, ये आपको देखना है। ये नहीं मतलब है कि आप घर के अंदर घुमाते फिराते लेके आओ, आपको आप तो कहो मैं तो 50 मीटर का उसको ट्रेवल करा दिया, नहीं, ये चीज नहीं होता है। आपको बस ये देखना है कि उसकी हाइट कितनी चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस चीज का कंसिडरेशन रखना है, पहला कि ग्राउंड जीरो देखना है, दूसरा कि पाथ इंडिपेंडेंट होगा, सीधे ग्राउंड लेवल से जो ग्राउंड जीरो है वहां से हायर जितना हाइट पर लेके जाएंगे तो इसमें सीधे हाइट कैलकुलेट होगी। वही चीज फिगर में भी बताया कि ए पोजीशन पे था, बी पोजीशन पे गया, तो डायरेक्ट जो जो इसके जो हाइट चेंज हो रही है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। अब इस वाले पार्ट में देखो, अब ए से लेके यहाँ गया, फिर पाथ ये चुना, फिर टेढ़ा मेढ़ा होकर यहां तक पहुंचा, तो इस केस में भी ये जो हाइट है एच, ये दोनों केस में एच सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे पोजिशन जो है ए से बी हाइट दोनों की सेम है।
ठीक है। तो वर्क डन यहां पे दोनों केस में निकालेंगे तो एम जी एच लेंगे, ये पूरा हाइट जो है सीधा यहां से यहां पर लेंगे, तो यही इसमें दूसरा निकालने का मतलब कि यहां पे कंसिडर करना है इस पॉइंट को। अब एक क्वेश्चन बना लेते हैं इस पे, फाइंड द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, ठीक है, व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 6 meter अबव द ग्राउंड, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg, ओके, अब उसको 6 meter अबव द ग्राउंड लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राउंड जीरो तो खुद ही बता दे रहा है कि ग्राउंड जीरो से ग्राउंड से लेके गया गया 6 meter इसकी हाइट हो गई और मास इसकी 10 थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इजिकल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को लेना है, तो इसमें एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, पोजिशन चेंज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, इसका सोल्यूशन बनाते हैं। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसी तरह से लिख के बनाना है पूरा, आप लिख के बनाएगा तो आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट सकता है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना, एम इजिकल टू 10 kg, ओके, हाइट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट या हाइट लेके चलो आप यहाँ पे एच इजिकल टू 6 meter, ओके, दिया हुआ है 6 meter हाइट हो गया, 10 kg इसका वेट हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इजिकल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, ये भी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 588 joule, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना ड्यू टू पोजिशन के कारण चेंज हो रहा है, हाइट चेंज हो रही है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगा 588 joule, ओके। दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg, ओके, ऑब्जेक्ट है जिसका मास 12 kg, ओके, इज इट इज एट ए सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, ये किसी हाइट पे है ऑलरेडी, ये किसी हाइट पे, ठीक है। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 joule, अब हम पोटेंशियल एनर्जी ये पहले से बता दिया है कि ऑब्जेक्ट 12 kg उसका मास है, वो किसी हाइट पे रखा हुआ है और उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 480 जूल है, ठीक है। फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पे रखी हुई है, ये हाइट आपको बताना है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ। इस तरह का क्वेश्चन जब घुमा के आए तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है ये, आपको समझ में आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिख दिया है कि इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द हाइट निकालना है, तो फॉर्मूला उसी का यूज करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है पीई इज इक्वल टू एम एम जी एच वाला, इसी फॉर्मूला का यूज करना। अब देखो आप कैसे यूज करके आप इसको बना सकते हो, ठीक है, जो पहले डाटा दिया हुआ आप लिख दो, पहले मास दिया हुआ मास लिख दिए 12 kg, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ 480 joule वो भी लिख दिए, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी वो भी आप लिख दो, ठीक है, हो गया। ईपी लिखा हुआ, ईपी का मतलब एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी, ईपी मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, फॉर्मूला क्या हो गया, एम जी एच, ओके, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब जो जो डाटा दिया हुआ वो आप लिख दो, जो ना लिखा हुआ वो मत लिखो। ईपी का वैल्यू दिया हुआ है 480 joule, एनर्जी जो पहले से बता दिया ऑब्जेक्ट में कितनी एनर्जी था 480 joule लिख दिया, मास बता दिया 12 kg लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय जी का वैल्यू 10 बोल दिया कुछ समय लेने के लिए, तो आप 10 लो, 9.8 मत लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर आपको कैलकुलेट करने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये एक नंबर का क्वेश्चन से ज्यादा का है नहीं, आपको झूठ मूठ का टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 बोला है तो आप 10 ले लो, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, हाइट नहीं दिया हुआ, हाइट निकालने को बोला तो हाइट को एच लिखो, ठीक है, बस अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये सारे चीज क्वांटिटी को नीचे भेजो इसके नीचे, तो 480 बाई 120, 12 इंटू 10 122 kg, यूनिट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो 480 बाई 120 kg मीटर, बस इसको सॉल्व करो तो 4 टाइम्स में कट जाएगा, 4 मीटर यहाँ पे हाइट हो जाएगी, तो ऑब्जेक्ट हाइट कितनी हाइट पे, तो 4 मीटर के हाइट पे ऑब्जेक्ट है, इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा, ठीक है। इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है कुछ, तो अगर आप कुछ विशेष अगर परिस्थिति में आपको अगर फॉर्मूला ही रटना है तो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है उसी को आप अगर हाइट निकालना है तो H इज इक्वल टू तो पीई पोटेंशियल एनर्जी बाई यहाँ पे लिख दोगे एम जी, तो ये वाला फॉर्मूला, इतना सारा फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक फॉर्मूला रखो रटो कि E इज इक्वल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच होता है, ठीक है, बस एक ही फॉर्मूला से काम हो जाएगा। अब इसमें 4 क्वांटिटी हो गई, ठीक है, जो इसमें जो फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल एनर्जी वाला, तो एक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, एक मास हो गया, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, एक हाइट हो गया। अभी 4 में से 3 क्वांटिटी हमेशा देगा क्वेश्चन में, एक निकालना होता है, ठीक है। अब देख लो आप जो निकालना है, अगर सीधा सीधा इसी फॉर्मूला पे एम दे दिया, जी दे दिया, एच दे दिया, तो बस तो कोई दिक्कत नहीं, पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो। अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी दे दिया, इस वाले क्वेश्चन में क्या था, पोटेंशियल एनर्जी दे दिया था, मास दे दिया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे दिया था, हाइट पूछा था। अब एक और क्वेश्चन इसमें बना सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी दे दिया, ऑब्जेक्ट का मास नहीं दिया है,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे दिया, हाइट दे दिया, तो मास पूछ देगा, मास निकालने का, तो वो ही निकाल सकता है। हो सकता है पूछ दे कभी कभी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा वो निकाल के बताओ, तो उसमें पोटेंशियल जी दे देगा, मास दे देगा, हाइट दे देगा आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू पूछने का। तो सब प्रोसेस यही है, ये फॉर्मुला लिख लो, उसके नीचे में जो जो क्वांटिटी दिया हुआ वो भर दो, जो नहीं दिया हुआ उसको एम जी, एच में जो नहीं दिया उसको एच नहीं दिया तो एच लिख दो, जी नहीं दिया तो जी लिख दो, एम नहीं दिया तो एम लिख दो, ठीक है, वो लिखो, अब आज की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, सॉल्व करके निकाल दो। इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।